सोलन की वसुंधरा कॉलोनी के निवासी लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग की वजह से उनका जीना मुश्किल हो चला है, क्योंकि विभाग द्वारा बरसाती नाले के पानी का रुख उनकी कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बरसात का गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है और उनके पीने की पाइपें भी पानी के बहाव से जलमग्न हो जाती है, जिसके उनके पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। सोलन की वसुंधरा कॉलोनी के निवासी लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग की वजह से उनका जीना मुश्किल हो चला है, क्योंकि विभाग द्वारा बरसाती नाले के पानी का रुख उनकी कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बरसात का गंदा पानी उनके घर में घुस रहा है। उनके पीने की पाइपें भी पानी के बहाव में जलमग्न हो जाती है, जिसके कारण उनका पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। उन्होंने कई बार इस बारे में विभाग और जिला प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वसुंधरा कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग ने बरसाती नाले का मुख उनकी कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया है, जिसकी वजह से गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है। जहाँ से ये नाला आता है, वहाँ से ही उनके पीने के पानी की पाइपें भी गुजर रही है, जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है और वे गंदा पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस नाले का मुख उनकी ओर मोड़ा गया है, अगर उसे सीधा सड़क के किनारे बने नाले में जाने दें तो उसकी इस समस्या का हल निकल सकता है, जिसके लिए वे कई बार शिकायत जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। डॉक्टर दिनेश गुप्ता, वसुंधरा कॉलोनी शांति का रहने वाला हूँ, और हम सभी जो हैं वो शांति वसुंधरा कॉलोनी के रहने वाले हैं। हमारी सब समस्या यह है कि जो बाजार का पानी है वो पूरा ही कलवट द्वारा हमारी कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जहाँ की हमारी पानी की पाइपें जा रही हैं और पानी की पाइपें किससे ऊपर से क्रॉस कर रहा है पानी, उसमें हमें जो पानी जो है वो हमारे पीने वाले पानी में मिक्स हो रहा है। तो अभी पीछे जैसे इन्होंने क्या किया कि यहाँ कलवट डाल के सारा पानी कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिससे कॉलोनी में एक तो पानी के पाइपों में ऊपर जब भी बारिश होती है जो पानी जो है पूरी सड़क में और लोगों के घरों तक अंदर तक चला जाता है पानी, और उससे क्या है, एक तो नुकसान हो रहा है, दूसरा गंदा पानी हमें पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि गंदा पानी है, जबकि PWD के रोड के साथ नाली बनी हुई है जो ऊपर रोड जा रहा है, नीचे एक नाम शांति से नीचे को रोड जा रहा है, उसमें पानी है वो उसमें डाइवर्ट हो सकता है, पर ये बावजूद बार बार ये क्या करते हैं, पानी इस तरफ को डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे वसुंधरा कॉलोनी वालों को नुकसान हो रहा है। और ये जो हमारा एरिया है जिससे ये पानी डाइवर्ट किया हुआ है, ये हमारे कॉलोनी का अप्रूव्ड रास्ता है ऊपर के लिए, सीढ़ियाँ से सीढ़ियाँ ऊपर तक बननी थी, यहाँ कोई भी ऐसा ड्रेन का सिस्टम नहीं था, ना ही सिस्टम है, और PWD वालों ने जबरदस्ती और बार बार इसको खोल के कॉलोनी के तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। मैं डॉक्टर JN रैना जी, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड, अभी यहाँ वसुंधरा कॉलोनी का मेरा फ्लैट है जी, कि जितना भी पानी है वो सारा डाइवर्ट कर दिया गया, और पीछे अगर आपने नज़र मारेंगे तो सारा कलवट का पानी जो है वो पाइपों से, पीने वाली पाइपों से होके जाता है, तो लाइकली है किसी न किसी वो एक ना कोई पाइप जो है वो लीक करती रहती है, वो गंदा पानी उसमें जाएगा नेचुरली, उसको वो जो है इनहेबिटेंट जो है यहाँ के उनको पीना पड़ रहा है वो, कि सारा पानी जब इधर को आएगा नेचुरल है कि ये सारी सड़क टूटेंगी जितनी है नीचे की तरफ को, है ना। तो मेरी यही है कि इसको जल्द से जल्द जो है ना इसका सलूशन किया जाए, और सलूशन जैसा डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि ऊपर नाली बनी हुई है PWD की, उसको खोल के पानी आराम से जा सकता है। सारी रोड्स के ऊपर अगर आप देखें थ्रू आउट शांति से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, रोड्स के साथ साथ सारी ड्रेन्स बनी होती हैं जहाँ से पानी होकर के चला जाता है वो, तो दिस नीड्स टू बी टेकन एट प्रायोरिटी, यू नो।